कपालभाति प्राणायाम, जिसमें हमारी ब्रीदिंग, हमारा जो श्वास श्वास है वो पेट से सक्रिय होता है। कपालभाति को पेट की ब्रीदिंग कहा जाता है, इसमें छाती का मूवमेंट नहीं होता है। कपालभाति में दोनों ही नासिकाओं से घर्षण का आवाज करते हुए सांस को बाहर फेंका जाता है, जिसमें फोर्स आप ले आए लेकिन उतना ही कि जितना आप आराम से कर सकें, लयबद्धता को मेंटेन करें उसमें, और लगातार नासिका से सांस को बाहर फेंकें। यहां सांस के अंदर जाने की क्रिया स्वतः ही होती है, बिना आवाज के होती है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। बहुत ही मुख्य है यहां स्पीड, जिस गति से हम कर रहे हैं कपालभाति उसकी गति होनी चाहिए 60 स्ट्रोक्स हम लें कपालभाति के, एक मिनट में, एक सेकंड में एक स्ट्रोक। शुरुआत में आप जब शुरू करते हैं कपालभाति, आप 10, 15 या 20 स्ट्रोक एक साइकिल में ऐसे 3 साइकिल्स को रिपीट कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें, नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए 20 स्ट्रोक लेंगे हम, फिर थोड़ा ठहरेंगे, फिर 20, फिर थोड़ा ठहरेंगे। जहां भी सर भारी लगे, चक्कर आने लगे या रिदम टूटने लगे, बस आप वहीं थोड़ा ठहर जाएं, आराम करें, फिर उस अभ्यास को शुरू करें कपालभाति। स्ट्रोक के पूरे होते ही आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और अगले रिपीटेशन के लिए फिर से 20 स्ट्रोक लें। आप चाहें तो कपालभाति को एक ही समय पर 60 स्ट्रोक या उससे ज्यादा भी समय कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आप बिल्कुल ही शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही आरामदायक स्थिति में हैं, चेहरे पर कोई तनाव ना आने पाए और लयबद्धता टूटने ना पाए स्ट्रोक्स की। हम रिपीटेशन कर रहे हैं कपालभाति का, फिर से 20 स्ट्रोक लेंगे। आप देखें पेट की तरफ, लगातार पेट का संकुचन होने से, लगातार पेट का संकुचन होने से डायफ्राम, जो छतरी के आकार की मसल होती है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, जब हम कपालभाति करते हैं तो डायफ्रामेटिक मसल जो है वो काफी सक्रिय हो जाती है। इस तरह इसके नीचे पेट होता है, ऊपर चेस्ट होती है, और जब हम कपालभाति करते हैं तो उस समय हमारी ये जो डायफ्राम मसल है वो किस तरह मूवमेंट होती है, इस तरह नीचे पेट होने की वजह से लगातार पेट के अंगों को मसाज मिलती है, और जब ये डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है तो जितनी भी हवा रही हुई है, चाहे हमारे विंड पाइप में, हवा के पाइप में, या फिर हमारे लंग्स में, वो सारी रेसिडुअल एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कपालभाति एक यूनिक ब्रेन टॉनिक है और कपालभाति से डायफ्राम एक हैवी ड्यूटी पंप बन जाता है। सेकंड साइकिल कपालभाति की, आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर थोड़ा रिलैक्स होकर थोड़ा ठहर कर फिर इसका तीसरा रिपीटेशन करें कपालभाति। 20 स्ट्रोक के लिए हम कर रहे हैं।
धीमे से आंखें खोलें। अब हम दूसरे नंबर का प्राणायाम कर रहे हैं जिसका नाम है